भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं। इसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उनके रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव ने पिछले हफ्ते अपनी बैठक के दौरान ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक वेरिएंट के साझा डेवलपमेंट की संभावनाओं पर चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन के NSA स्तर की बैठक से इतर दोनों देशों के NSA की मुलाकात के दौरान रूस से सुरक्षा आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत हुई। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से आगे है। इसे आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर हथियार माना जाता है। ब्रह्मोस 2 नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल जिरकान की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकान दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिरकान मिसाइल की गति 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। जिरकान को पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। वहीं वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की वेरिएंट्स की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO अतुल राणे ने बताया था कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान 2027 या 2028 में आयोजित की जा सकती है। ब्रह्मोस 2 को रूस की रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं।